नीट पेपर लीक मामले में झारखंड से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। एक और बड़ी खबर आ रही है नीट पेपर लीक मामले में। इस समय का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि एक बड़ी गिरफ्तारी वहां से हुई है। पिंटू और चिंटू संजीव मुखिया गैंग से जुड़े दो आरोपी जिनका नाम पिंटू और चिंटू है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है और ये झारखंड के देवघर से गिरफ्तार हुए हैं। पिंटू चिंटू नाम के ये दो व्यक्ति हैं जो पिंटू ने प्रश्न पत्र का प्रिंट निकलवाया था और पिंटू ने चिंटू के कहने पर यह प्रिंट निकलवाया था और उसके बाद अब बिहार और झारखंड से कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब देखना यह होगा कि जो सरगना है संजीव मुखिया वो कब पकड़ में आता है। उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। आइए सीधे पटना आदित्य वैभव हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। आदित्य, ये पिंटू और चिंटू कौन हैं? इनकी गिरफ्तारी कितनी महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल सही, अगर देखा जाए तो ये पिंटू और चिंटू संजीव मुखिया गिरोह के लोग हैं और सबसे बड़ी बात यह कि इनका एक्सपर्टीज है, इसमें विशेषज्ञता, आप या कह सकते हैं कि दक्षता हासिल है सवालों को लीक करने में और लीक करके अपने लोगों तक पहुंचाने में। और सबसे बड़ी बात यह आपको बताएं सईद कि ये जो खुलासा हो रहा है झारखंड से, इससे एक बात तो साफ तौर पर सामने आ रही है कि न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड और उत्तर प्रदेश से भी इस पेपर लीक के तार जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको यह भी बताएं कि जो अब तक गिरफ्तारी का कुल आंकड़ा था 13, वो इन 6 गिरफ्तारियों के साथ अब 19 तक जा पहुंचा है। और सईद सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में यह है कि अब तक जिस तरह से इसको लोकलाइज्ड एफर्ट देख मानकर जांच हो रही थी, लेकिन जिस तरह से जो कबूलनामों में जो चीजें सामने आ रही थी और जिस तरह से जो इंटरोगेशन में गिरफ्तार किए गए लोग बातें बता रहे थे, तो अब आप समझ सकते हैं कि जांच आगे की तरफ बढ़ रही है। और इसके अलावा बिहार के अलावा झारखंड और उत्तर प्रदेश तक अब इसकी आज पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये तब हो रहा है जब इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट की टीम को एनटीए के द्वारा रेफरेंस क्वेश्चन पेपर नहीं दिए जा रहे हैं और नहीं देने की सूरत में, चूंकि अब उन्हें ज्यादा से ज्यादा बयान चाहिए और आप कहें कि जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। सईद बहुत धन्यवाद आदित्य। आदित्य वैभव हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। चिंटू और पिंटू नाम के ये दो महत्वपूर्ण किरदार गिरफ्तार हुए और कुल मिलाकर अब तक 19 गिरफ्तार हो चुके हैं पेपर लीक में। मतलब यह हुआ कि नीट पेपर लीक में एक के बाद एक किरदार सामने आ रहे हैं। तो आज हम आपको पेपर लीक कांड के एक एक किरदार का कच्चा चिट्ठा दिखाएंगे और आपके सामने उनकी सच्चाई को पेश करेंगे। पेपर लीक घोटाले के सबसे बड़े किरदार के रूप में सामने आया है संजीव मुखिया का नाम। कौन संजीव मुखिया? 2010 से परीक्षा पेपर लीक के धंधे में शामिल है संजीव मुखिया। पुलिस को चकमा दे रहा है, पुलिस को इसकी तलाश। संजीव मुखिया पर पेपर लीक मुहैया कराने का आरोप है। संजीव मुखिया ने एक हॉस्टल में परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को ठहराया। दूसरा एक और महत्वपूर्ण किरदार है सिकंदर यादवेंदु। ये फरार है जो पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था और फरार चल रहा था, लेकिन उसके बाद पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और इसमें एक नया नाम अब जुड़ा है रवि अत्री का, जो यूपी पुलिस भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड माना जाता है। और रवि अत्री के बाद चौथा नाम आता है अवधेश का, जिसे रांची से गिरफ्तार किया गया है। तो रवि अत्री संजीव मुखिया से जुड़ा था, पुलिस भर्ती घोटाले का ये आरोपी है, लेकिन इसके बाद एक और नाम है अवधेश। अवधेश रांची से गिरफ्तार किया गया है। सिकंदर यादवेंदु से इसके जबरदस्त संबंध हैं और लिंक हैं।